फाफा हाउस से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल। टिकट के लिए एक नेता को 20 लाख रुपए दिए जाने की खबर। पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर दिए थे 20 लाख रुपए। शूटआउट कांड के 5 दिन पहले अतीक की पत्नी के सीसीटीवी फुटेज आई सामने। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ शार्प शूटर साबिर भी था मौजूद। अतीक के गैंग के शूटर बल्ली उपी के साथ मौजूद। निकाय चुनाव की तैयारियां जारी है। आज से जोड़े रखे जा रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम। 11 अप्रैल के बाद तभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। सपा ने भी तेज के मिशन 2024 की तैयारियां। आज अखिलेश यादव का गुजरात दौरा। गुजरात के पूर्व सीएम से करेंगे मुलाकात। मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। कानपुर देहात में कूड़े के ढेर भी लगी भीषण आग। 6 दुकानें वहां पर जल गई। दुकानों में रखे सामान सहित पास में खड़ी कार भी बनी आग का गोला। जालौन में किसान के घर नींव की खुदाई करते समय निकले 1 दर्जन चांदी के सिक्के। ग्रामीणों ने दी थाने और जिला प्रशासन को खजाना मिलने की सूचना। कोतवाली क्षेत्र के व्यासपुरा का मामला। झांसी के टोड़ी फतेहपुर इलाके में 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाश। बदमाशों के ने 2 दिन पहले लूटपाट को दिया था अंजाम। बाराबंकी में ठगी करने वाले गिरोह के सरगना के पिता का कॉलेज कुर्क। चिटफंड एंड कंपनी बनाकर लोगों से की थी करोड़ों की ठगी। गाजियाबाद में लालू यादव के समझे के यहाँ 16 घंटे बाद ईडी की रेड समाप्त। शुक्रवार सुबह 8 बजे रेड शुरू हुई थी। रात 12 बजे हुई समाप्त। ईडी की टीम के हाथ लगे हैं कुछ अहम दस्तावेज। प्रयागराज शूटआउट केस में बरेली में एसआईटी की टीम के रेड। अशरफ किसाले के घर में छापा। 3 साल से किराए पर रह रहा था संताप। गाजियाबाद के वसुंधरा में 2 युवकों में हुआ जिम में झगड़ा। युवक ने बुलाए बाहर से कुछ युवक। जिम के ट्रेनर और एक युवक को पीटा गया। गोली चलाई गई। आगरा में थाने के अंदर युवक ने चाकू से काटा अपना गला। अस्पताल में ग्रह कराया गया भर्ती। पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में पानी भरने से लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस के मुताबिक जिठानी और देवर में हुई मारपीट। केजीएमयू उपकेंद्र में खुलेआम गुंडई का वीडियो वायरल। दबंग कर्मचारियों ने जेई से अभद्रता और मारपीट की है। सहारनपुर के गांव बहेड़ी गोहू में 2 पक्ष भिड़े। जमकर चली लाठी और डंडे। खूब पथराव हुआ। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना। पुलिस की डर से 10,000 रुपए इनामी का अपराध से तौबा। मुजफ्फरनगर में कोतवाली पहुंचकर अपराध से किया तौबा। पुलिस के सामने किया सरेंडर। मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल की संदिग्ध मौत से सनसनी। घर के अंदर कमरे में मिला प्रेमी युगल। उपचार के दौरान हुई प्रेमी युगल की मौत। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में अपने योगाचार्यों को दिया जल संरक्षण का संदेश। देवरिया में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। अगर प्रोफेसर रामगोपाल को यह मालूम है अतीक का बेटा है हत्यारा तो हत्यारों का जरूर होना चाहिए एनकाउंटर। बसपा से इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। बलिया में कहा सपा भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। सहारनपुर के एक कबाड़ी की दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद। थाना मंडी क्षेत्र मंडी समिति रोड की घटना। हमीरपुर जिले में झोपड़ियां जलने से कई गरीब बेसहारा। आग में से सारा सामान जलकर खाक। पीड़ितों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देर से आने पर अटक लगाया। उन्नाव में बाइक सवार पति पत्नी नीलगाय से टकराए। दोनों गंभीर रूप से घायल। सीएससी में बाइक सवार पत्नी ने तोड़ा दम। गाजियाबाद में रोके पर बस ड्राइवर ने भगाई बस। एक मकान में जाकर के टकराई। लोगों ने बस ड्राइवर को दौड़ाकर रोके पकड़ा। रुड़की शहर के बीच कई पटाखा गोदाम। 20 से अधिक बड़े गोदाम हादसों को दे रहे न्योता। एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पीलीभीत की कचहरी में कोर्ट मैरिज करने आए कपल की पिटाई। जैसे ही दोनों ने अपने नाम के साथ धर्म बताया तो भीड़ ने प्रेमी युगल की पिटाई कर दी। पुलिस ने प्रेमी युगल को किसी तरह बचाया। तिरहुआ मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बुंदेलखंड दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे सौगात दी जाएगी। महोबा में 2800 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन। नैनीताल के खैरना टू लेन पुल का केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया उद्घाटन। कहा चारधाम यात्रा हो गया। नैनीताल जिले से अल्मोड़ा जिले को जोड़ने का प्रमुख पुल। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय यमुना वैली दौरे पर पहुंचे जिलाधिकारी। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे को यात्रा से पूर्व दुरुस्त करने का निर्देश।
शिफन कोर्ट से बेघर लोगों को विस्थापित करने को लेकर बैठक। 84 बेघर परिवारों को मिलेगा आवास, एमओयू साइन करने के निर्देश। रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में पैसा निवेश करने पर ठगी। ठगी करने वाली कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। 5.5 करोड़ से अधिक रुपए लेकर भागने का आरोप। हाथरस में एक फौजी की इंडोनेशिया की युवती से भारतीय रीति रिवाज से शादी। फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, पहले दोनों ने इंडोनेशिया के कैथोलिक चर्च में की थी शादी। दिल्ली के शराब घोटाले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता से ईडी की पूछताछ। ईडी ने सिसोदिया की रिमांड कॉपी में लिखा घोटाले में के कविता की भी भूमिका। आज पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर संबोधन। सुबह 10 बजे बजट के बाद वेबिनार को करेंगे संबोधित। दो दिन के भारत दौरे पर आएंगे जापान के प्रधानमंत्री। 20 और 21 मार्च को आएंगे भारत। G7 और G20 में अपनी प्राथमिकताओं पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच इंसाफ। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जुटेंगे वकील। इंसाफ मंच की रूपरेखा होगी तय। आज से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिन का राजस्थान दौरा। जोधपुर और बाड़मेर में करेंगे जनसंपर्क अभियान, पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। 14 मार्च से हिमाचल विधानसभा का पहला बजट सत्र। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार बजट करेंगे पेश। 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र। देश में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सरकार। आज बुलाई गई समीक्षा बैठक। राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश। पिछले 2-3 महीनों के दौरान बढ़े H3N2 के केस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कफ, खांसी और बुखार, फिलहाल 2 तरह के इन्फ्लुएंजा के केस सामने आए हैं। सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पूरी तरह से लगाई गई रोक। मुंबई के समंदर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लिया गया फैसला, जांच रिपोर्ट आने तक नहीं होगी उड़ान। दिल्ली में बदलने लगा है मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है राजधानी का तापमान। कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 112 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। इस साल भीषण गर्मी का करना पड़ सकता है सामना। सोशल मीडिया में टेम्पो की छत पर चढ़कर रील बनाने का वीडियो वायरल। लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भाजपा विधायक ने लगाए थे उनके विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से मिली जीत। कानपुर के हुक्काबार में हुए रेप में नया मोड़। भाजपा नेताओं के साथ आरोपी अजय ठाकुर की तस्वीर वायरल। सपा ने भाजपा पर निशाना साधा। पुलिस ने कहा सभी एंगल से हो रही है जांच। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 30 परिवारों ने घर के बाहर लगाया मकान बिकाऊ घर का पोस्टर। दबंगों पर मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी करने का आरोप। पुलिस ने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर GRP ने CRPF जवान को पार्सल गाड़ी पर खींचा। नशे में था CRPF जवान। बस्ती में बाइक और कार के बीच टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर खाई में गिरी कार, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ के रेस्टोरेंट में नोकझोंक के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। बाद में टॉयलेट में जाकर के खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जियरपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी साबिर के भाई जाकिर की हार्ट अटैक से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, 27 फरवरी से था लापता। मुरादाबाद में होली के दिन दोस्त को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक कातिल दोस्त गिरफ्तार। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। दोस्त को शराब पीने से मना करने पर गालियां दी गई। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने पर 2 आरोपी गिरफ्तार। अशरफ के सारे सद्दाम और लल्ला कद्दी की तलाश जारी। अमीरपुर पुलिस ने चोरी और लूट के मामलों में 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जाट, मुस्करा, जरिया थाना क्षेत्रों से गुजरने वाले लोगों को बनाते थे निशाना। खानपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बलहरी मोड़ के पास से अमरुद्दीन और नसीम की गिरफ्तारी। G20 के सम्मेलन की तैयारियों में जुटा उधम सिंह नगर। जिला प्रशासन रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। DD चौक के इंदिरा चौक तक अतिक्रमण ध्वस्त किया गया।
फतेहपुर के जहानाबाद में मंदिर तोड़े जाने पर ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। वाराणसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर निशाना साधा, सपा के विधायक पिछड़ा वर्ग प्रेम को बताया ढकोसला। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद केस में सुनवाई टली, अब 15 मार्च को होगी सुनवाई। ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर कमीशन भेजने का आदेश हो सकता है जारी। ओम प्रकाश राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ, सीएम योगी को बताया हिम्मत वाला, अखिलेश यादव और मायावती की दिमागी हालत पर उठाए सवाल। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह ने उमेश पाल के परिजनों से की मुलाकात, दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन, कहा हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की 33 विभागों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। टिहरी में प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, नियमों की अनदेखी पर करने कार्रवाई की गई है। डीएम सौरभ गहरवाल ने कई विभागों के अधिकारियों और पुलिस के वाहनों के भी चालान काटे। होली के पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में 7 करोड़ की शराब बिकी, होली के दो दिन पूर्व 4 करोड़ 50 लाख इंग्लिश और 2 करोड़ 50 लाख का देशी शराब का सेवन किया गया लोगों की तरफ। कुशाम्बी में पुलिस लाइन के गेट पर सड़क हादसे में सिपाही की मौत, सड़क किनारे खून तिरस पर था शव, टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में निकली। औरैया में टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक स्कूली छात्र और ऑटो ड्राइवर की मौत, टैंकर चालक फरार। रामपुर में पनवड़िया नाले में मिला अज्ञात युवती का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, युवती की पहचान नहीं। जालौन में युवती की हत्या के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, शराब के नशे में आरोपी ने की थी युवती की हत्या, उरई कोतवाली के मोहल्ला बगोरा की घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।